हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो यहाँ देखिए, अनमोल सो रहा है और मैंने ब्लॉग अपना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं भी सो ही रही थी, लेकिन मैं उठ के आई, फिर मैंने सोचा अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। और प्लीज़ आप ना वीडियो को लाइक करा करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा ब्लॉग, जो भी मैं डालती हूँ, जो भी वीडियोज़ बनाती हूँ, वो आपको कैसी लगती है। प्लीज़ कमेंट करके एंड लाइक ज़रूर करा करिए। ये जा रही हूँ मैं सब्जी लेके, आप लोगों को कहोगे कि क्या लेके जा रही है, तो मैं बस सब्जी लेके आई हूँ, तो मैं यहीं बैठे बैठे काट लूँगी। तो ये देखिए कितनी तेज़ धूप आती है यहाँ ना, जे अगर इस सोफ़ा पे हम ठंडों के टाइम में बैठते हैं ना तो काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन इन गर्मियों में ना जैसे हल्की हल्की सी धूप आती है ना तो ये बहुत अजीब सा लगता है। तो देखिए वहाँ मेरे पीछे सोफ़े के कवर, मतलब फ्रेंड्स मैं बना लेती हूँ अपनी सब्जी। और देखो अनमोल ना सुबह से ही पानी पीने लग जाता है, पूरे घड़े में ये पूरा पानी फिनिश कर देता है, देखो गया लेके। तो यहाँ बना रही हूँ मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी, और सब्ज़ी बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ। मतलब मेरा जो तरीका होता है वो आप लोगों को पता ही है कि मैं कैसे बनाती हूँ, वैसे नहीं बनाती, तो मैं इसलिए शेयर नहीं कर रही हूँ। तो जल्दबाजी में बना रही हूँ, क्योंकि ये नहीं थे यहाँ पे, घर जा रखे थे, फिर इनका फ़ोन आया कि मैं आ जाऊँगा, तो फिर मैंने सोचा चलो सब्ज़ी बना लेती हूँ और फिर उसके बाद कुछ और काम कर लेंगे। तो यहाँ मेरी सब्ज़ी भी बनके तैयार हो गई है, मतलब मैंने छौंक वोंक उसमें सब मिर्च मसाले सब डाल दिए। तो उसके बाद मैं इस बाल्टी को साफ़ करके भर दूंगी, क्योंकि पानी भी आ रहा था, तो मैंने कहा चलो साथ के साथ ना भर के रख देती हूँ। और जैसे ही मैं भरने लगी ना, एकदम चांस पड़ गया, तो पहले तो तेज़ी तेज़ी से पानी आने लगा यहाँ पर ना, ये ऐसे रोज़ होता है, लेकिन जब जब होता है ना तो गुस्सा भी बहुत ज़्यादा। मैंने पीने वाली बाल्टी को भी खिला दी और पता है लाइट भी चली गई, अब लाइट आएगी तो ही ये भरी जाएगी एकदम। जैसे पानी जाता है ना तो मैं तुरंत दूसरे दिन इसे धो के भर देती हूँ दोनों को, और अब तो लाइट भी चली गई। तो यहाँ लाइट आ गई थी, तो फिर मैंने इसको बाल्टी को लगा दिया। मैंने कहा भैया लाइट का कुछ वो नहीं है, क्योंकि ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा एसी वेसी चलते रहते तो लाइट कट हो जाता है, गर्मी के सीज़न में तो कट हो जाता है, इतना कट नहीं होता है, लेकिन जब टाइम का वक्त होता है ना कि जब हमें ये चीज़ करनी है तो उस टाइम पर ज़्यादा होता है। तो यहाँ देखिए मैंने बेड शीट को भी बिछा दिया है, मतलब झाड़ झूड़ के इसको सही से बिछा दूँगी, क्योंकि अनमोल फिर से आ जाएगा, वो फिर से इसको मैसी कर देगा। लेकिन मुझे ना घर में कोई चीज़ ऐसे अव्यवस्थित पड़ी है तो वो मुझे पसंद नहीं आती है, उसको साथ के साथ सेट करना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। बेड शीट वगैरह सब बिछा दी, और देखो कल अनमोल ने पता है क्या किया, उसको ना वो मतलब वैसे ही निकाल रहा था, वैसे तो गर्मियों में ना मैं लगाती हूँ अपने चेहरे पे कुछ ना अनमोल के लगता है, तो कल क्या हुआ वो ना इससे ऐसे ही खेल रहा था, तो पूरी की पूरी जॉनसन क्रीम निकल पड़ी उसकी, ये देखिए सारी की सारी निकल पड़ी थी, बहुत सारी निकल पड़ी थी। फिर उसे ना ये इसका जो ढक्कन होता है थोड़ा कम स्पेस वाला होता है, उसे आप भर भी नहीं सकते, तो उसकी पिटाई भी हो गई थी। ये मैंने सोफ़ा के कवर वॉश किए थे, इनको बस मैं उतार लूँगी, सारे सूख गए हैं, अब गर्मी का टाइम है ना, मैं बहुत जल्दी सूख जाते हैं। और यहाँ मेरी सब्ज़ी बन गई है, तो इसे मैं दूसरे बर्तन में पलट के रख दूँगी। तो ये देखिए बर्तन है, थोड़े से बर्तन हो गए थे तो मैंने कहा चलो हैंड टू हैंड इसे साफ़ कर देते हैं। फिर उसके बाद ना हम ये किचन ना, अगर आपके बर्तन पड़े ना सिंक में, तो किचन में भी आपको लगता है कि हमारा बहुत सारा काम ऐसा है जो पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो साथ के साथ हो जाए तो काफ़ी सही रहता है। और मुझे बर्तन सिंक में पड़ा नहीं अच्छा लगता, अगर मुझे कुछ भी दिख जाए ना कि ये पड़ा है तो मैं साथ के साथ करती हूँ उसे साफ। फिर तो ये बर्तन भी हो गए, हटो यहाँ से, ये हमको सही करना है, हटो ना, सोफ़ा कवर बिछाना है हमको बाबू। तो मैं बिछाऊंगी अपने सोफ़ा कवर, ये देखो मैंने कल ना वॉश कर दिए थे सारे, तो अजीब से लग रहे हैं ना पर अच्छे भी लग रहे हैं, क्योंकि जो इनका प्रिंटेड है ना वो फ्लावर वाला है, इससे साफ़ कर लूँगी पहले सोफे को, मतलब साफ़ है, जैसे उठे बैठते हैं तो कुछ गिरा विराया हो, अनमोल तो वैसे खास तौर पर भी नमकीन बिस्किट पूरा दिन चढ़ता है। यहाँ मैं बिछा लेती हूँ सोफ़ा कवर, तो ये ना वैसे तो मेरे जो सोफ़ों का कवर है ये बहुत प्रिंटेड कवर है तो अच्छा भी लगता है, लेकिन ना गंदे हो जाते हैं, और ये ना कवर्ड वाले हैं मेरे जो कवर हैं, तो ये जो पहले ना बहुत टाइट टाइट थे, लेकिन मेरे को ना मतलब चढ़ाने में काफ़ी टाइम लगता था, तो मैंने इनको ना साइड से उधेड़ दिया था, मतलब एक ही तरफ का साइज़ खुला रखा था कि मतलब उनको डालने में परेशानी ना हो, तो बहुत टाइम लगता था, बहुत धीरे 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 होता था, तो इसलिए फिर मैंने ना ऐसे किया, मैंने कहा चलो इनको साइड से उधेड़ ही देती हूँ। फिर मैंने ऐसे करके यहाँ देखिए मेरे सोफ़ा के कवर लगे, और ये सोफ़ा के कवर ना बहुत ही अच्छे लगते हैं। ऐसे लेट क्यों क्यों पड़ रहे हो नीचे? आए हाय अनमोल की चोटी, आए हाय अनमोल, दिखाओ ना सबको, दिखाओ वीडियो में, चोटी तुम तो लड़की लग रही हो यार, और नीचे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, चेयर पर बैठ जाओ अपने पे, बोल दूंगी, तुम तो लड़की हो ना, बोल दूंगा।
तो फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, क्योंकि अनमोल के पापा आ चुके हैं, ये घर गए हुए थे, कुछ सामान लाना था। तो मम्मी पापा बहुत दिन से बोल रहे थे कि ले जाओ ले जाओ ले जाओ, तो ये आ गए हैं। तो मैं बना लेती हूँ अब चाय, क्योंकि टाइम भी चाय का हो रहा है और उन्होंने थोड़ी हरारत सी हो जाती है जैसे आदमी बाहर से आता है, आपको पता है गर्मी भी है और फिर धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ कर रही हूँ मैं चाय बनाने की तैयारी, क्योंकि वो तो अभी लेटे हुए हैं, उनको जगाऊंगी फिर मैं चाय बना लेती हूँ। वैसे ना गर्मी में चाय पीना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन अभी भी हमारे भारत में आधे से ज़्यादा घर ऐसे होंगे जहाँ इस टाइम चाय बनती है, तो उनमें से एक घर हमारा भी है। पता नहीं, बहुत से लोगों को ना चाय की बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। कोई कोई तो मैंने ऐसे देखा है कि मतलब भर भर के ग्लास चाय पीते हैं। यहाँ बट रही है मेरी चाय, हमें खा रही कच्ची आम। किस किस को शौक है कच्ची आम खाने का, मुझे तो बहुत है। और धूप ना बहुत तेज है बाहर, मतलब आप मैं ऊपर सरसों सुखाने गई थी, उसमें कुछ हल्की हल्की से वो रेड रेड से घूमते हैं ना, याद नहीं आ रहा ना, वो आ गए थे। तो कच्ची आम खाने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। और मेरी चाचू माँ ने ना अचार भेजा है, अभी रखा हुआ है बाहर इधर ही, मतलब चाय पी के फ्री हो गए तब उसे लगाएंगे। और जब आप कच्ची आम खाते हो ना, और आप पीछे से ऐसे वाले बड़ा अच्छा लगता है, खट्टा खट्टा सा लगता है ना। तो चाय ने ले लिया है तेज उबाल, तो जल्दी जल्दी से चाय को स्लो कर देते हैं, नहीं तो निकल निकल के भाग जाएगी। तो यहाँ बस मैं एक ग्लास में इनके लिए रहती है, क्योंकि चाय हम उस तरीके से नहीं बनाते जो कि नुकसान कर जाए। तो गाइस चाय वाय हमने सब पी लिया, और जो मैंने अपनी छोटी माँ के लिए जो वीडियो डाला था, आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, तो उस वजह से अब वो ठीक है। मतलब उनकी ना छाती में जख्म बताए हैं और थोड़ा हार्ट की प्रॉब्लम बताई है, लेकिन दवाई चल रही है, वो ठीक हो जाएंगी। तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतनी सारी ब्लेसिंग दी, भगवान से प्रार्थना की और वो जल्दी से ठीक हो गई। अभी थोड़ा टाइम लगेगा कि वो मतलब अपने काम सारे स्वयं कर सके, थोड़ी वीकनेस तो देखी आ ही जाती है क्योंकि कोरोना से उठी फिर उसके बाद इस बीमारी को, तो ये जो दवाई गोली से ठीक हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हाँ, जब लगता है ना कि हाँ वो अब ठीक है, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे, क्योंकि मैं बहुत बहुत ज़्यादा परेशान थी। और मैं अपनी परेशानी ना वैसे बहुत कम लोगों से शेयर करती हूँ, और आप मेरी वो फैमिली हो जिसके सपोर्ट से, जिसके प्यार से मैं अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद ना ये कुछ सब्जियाँ थी जो ये लेके आए थे, तो मैंने सारी वॉश करके रख दी थी, तो फिर भी ना टोकरी में थोड़ा सा पानी रह जाता है, तो जो किचन में रखने की सब्जी है वो किचन में लगा दूँगी, जो फ्रिज में रखने की सब्जी है वो मैं फ्रिज में स्टोर करके रख दूँगी, क्योंकि वैसे आलू वालू प्याज तो आप फ्रिज में नहीं रख सकते हो, तो मैं फ्रिज में ही रख देती हूँ। तो यहाँ देखिए मम्मी को सामान भेजा है, तो मैं बस चेक कर रही थी कि क्या क्या मम्मी ने सामान भेजा है। तो मम्मी ना जैसे ये जाते हैं ना कुछ ऐसे भेजती रहती हैं, मतलब मेरी सासू माँ। ओह, ये किसने रखे? मम्मी ने चिप्स पापड़, मम्मी ने कहाँ से तोड़े या किसी ने भेजे? बता नहीं। अरे वाह यार, मेरी सासू माँ तो बहुत अच्छी है, कितना प्यार करती है। तो यहाँ मम्मी ने ना चावल वगैरह, तो ये देखिए सुधामन का काम ऐसा होता है, जो ज़्यादा होशियार बनता है ना उसका काम हमेशा बिगड़ता ही बिगड़ता है, तो मैं उसको वैसे करके पकड़ रही थी तो वो सारे चावल निकल पड़े। तो मैंने ना डिब्बा को ऐसे खाली करके रख लिया था, तो मैं ये डिब्बा भर के ले जा रही हूँ, मतलब पहले धो के वॉश करके अच्छी तरह सुखा पका के तब रख दिया था, मैंने कहा जब चावल आएंगे तो इसमें मैं डाल दूँगी। तो मम्मी काफ़ी दिन से कह रही थी, तो फिर मेरे को इनको टाइम नहीं मिल रहा था, लेकिन ये आप गए तो लेके आ गए, लेकिन मेरे लिए काम भी बढ़ गया क्योंकि चावल नीचे बिखर गए थे ज़्यादा आधे से ज़्यादा, तो क्यों, लेकिन मेरा हमेशा फर्श साफ़ रहता है ना, तो मैंने इस तरह से हाथ से करके बटोर लिए थे, मतलब क्योंकि यार अन्न है उसको ऐसे फेंका भी नहीं जा सकता, और मेरा घर तो हमेशा ही बहुत अच्छा से क्लीन रहता है। गर्मी हो रही है आज इतनी गर्मी है ना, इतनी गर्मी है, ये थोड़ा सा सामान भरने में ही मेरी हालत ख़राब हो गई। और मम्मी ने ना तेल 2 किलो ये सब और अचार चिप्स पापड़ चावल भेजा है, मतलब सासू माँ ने मेरी ने। तो देखो कितनी गर्मी है, थोड़ा हवा ले लेती हूँ मैं, उसके बाद करती हूँ। ये फैन चल रहा है, देखो ये लोग उठ उठ के चले जाते हैं, दोनों के दोनों उठ के चले गए। भैया मेरा टाइम बोर्ड रखा हुआ है, लेकिन किसी ने भी पंखे को ऑफ नहीं किया, फिर कहेंगे बिल आ गया इतना सारा। तो यहाँ मैंने चावल वाले डिब्बे को ना अच्छी तरह से लगा के पोंछ के रख दिया है, वैसे तो मैं सोच रही हूँ किसी दिन किचन को सब साफ करूँ।
तो ये ना मुझसे कुछ मस्ती भी कर रहे थे, मतलब ऐसी कुछ बात बोल रहे थे, तो मैं भी बोल रही थी, तो कहेंगे अच्छा बड़ी वो करने लगी है, इनका आप भी तो करते हो, तो हम लोगों में ना ऐसी मस्ती वस्ती हमेशा होता रहता है, करते रहते हैं। तो यहाँ सारे डिब्बे वगैरह मैंने सब कुछ साफ़ करके ना पहले ही रख लिए थे, क्योंकि मम्मी ने मुझे बता दिया था कि मैं भेज दूंगी ये, तुम मत करना, क्योंकि मैं सोच रही थी अचार डालने की पहले, वैसे तो वैसे भी पहले वाला भी रखा हुआ है बहुत सारा, तो फिर जो टेस्ट माँ के हाथ में है ना वो किसी के हाथ में नहीं है। सच में आप किसी से भी कुछ भी बनवा लो, लेकिन जो स्वाद माँ के हाथ में होता है वो किसी के हाथ में नहीं है। अनमोल बोला खाली डब्बा पागल बना रही हूँ। नहीं नहीं मैंने इसका सर उसमें पलट दिया है, बैटू से फेंक दो उसको। चलो बंद कर दो, लाइट बंद करना नहीं। यहाँ पे ये तैयार हो रहे हैं क्योंकि इनको याद आ रही है अपनी नानी की, मतलब मामा के घर जा रहे हैं, मतलब मामा की याद आ रही है। तो ये ना अपने मामा मामी के बहुत ज़्यादा लाडले हैं सारे बच्चों में, तो जब उनका मन करता है इनको देखने का तो वो इनको फ़ोन कर देते हैं। और यहाँ देखिए अनमोल संस्कारी बच्चा हमारा, बहुत ज़्यादा ही संस्कारी है सही बताऊँ तो। तो फ्रेंड्स मैं इस वीडियो को एंड करने जा रही हूँ। अनमोल इधर आओ, उधर मत जाओ, इधर आओ, एंड करना है तुम्हें। आज अनमोल कहेगा मैं वीडियो को एंड करूँ। अच्छा यही बैठेगा। हाँ तो वीडियो को एंड करो, वीडियो अच्छा लगे तो देखो, देखो गाइस ये मेरे क्या हो गया। देखो गाइस इसके तो चोट लग गई है, देखो ओ इसके चोट लग गई, चोट नहीं लगी है मतलब ऐसी ना कुछ लग गया है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना। आप ना बहुत तो चीज़ वो करते हो, आप जब भी वीडियो देखते हो ना तो लाइक नहीं करते हो, और कमेंट्स करके मुझे बताया करो कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है, किस तरह की वीडियो आप चाहते हैं। देखिए बहुत से लोग मुझे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं क्लीनिंग वीडियो बनाऊँ, लेकिन जब जब मुझे ज़रूरत होती है क्लीनिंग करने की, या मेरा घर मुझे लगता है कि गंदा पड़ा है तो ये बनाऊँगी ना क्लीनिंग वीडियो। ऐसे थोड़ी नहीं कि मैं ऐसे करके बनाती रहूँ, ऐसा नहीं है यार, और मेरे से ऐसे होगा भी नहीं कि मैं व्यूज़ पाने के लिए। और क्लीनिंग वीडियो का चैनल मैं इसमें हर तरह का मतलब जो मुझे आता है वो हर चीज़ शेयर कर रही हूँ, लेकिन मेरा थोड़ा चैनल और ज़्यादा ग्रोथ अच्छा कर जाएगा तो मैं कुछ अलग भी करूँगी, क्योंकि इसीलिए अभी मैं इस चैनल में सारी चीज़ मतलब ऐड कर देती हूँ, डांसिंग वगैरह जो शॉर्ट वीडियो डालना होता है, मेकअप वीडियो, जो भी मुझमें हुनर है मैं सब डाल देती हूँ। और रही क्लीनिंग वीडियो की बात तो वो भी मैं जल्दी से शेयर करूँगी, ठीक है। तो हर चीज़ का देखिए, आप मुझे आज बोले मैं उस चीज़ को कल कर दूँ तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लेडीजों की ना गृहस्थी में बहुत सारे काम होता है, यूट्यूब संभालना, बच्चों को संभालना, फैमिली को देखना, खुद को भी अच्छी तरह से देखना, मतलब हम ठीक हैं कि नहीं। हम ठीक नहीं रहेंगे तो हम ब्लॉग वीडियोस कैसे बनाएंगे। तो लाइक कर दिया करो, लाइक करने में कंजूसी मत किया करो, लाइक करने से आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा, मतलब हमें अच्छा लगता है कि हाँ लोगों को हमारा जो काम है हम जो कर रहे हैं वो अच्छा लग रहा है। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, साइड में जो बेल आइकन होता है उसे जरूर प्रेस करना गाइस, जो भी मैं वीडियो डालूँ ना उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाएगा। तो अपना ध्यान रखना, घर में रहना, और बहुत जल्दी बहुत जल्दी कोशिश करूँगी अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाने की, क्योंकि अभी तो घर कोरोना का टाइम है तो आप कहीं जा भी नहीं सकते। तो मिलते हैं अच्छे से वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। नमस्ते, बाय, टेक केयर, टेक केयर। शर्मा गया लड़का।